नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। चलिए, 29 जून 2018 से एक फाइनल बैच नेक्सस जीएस की तरफ से चलाया जा रहा है। तो टोटल आपका 50 दिन की ये क्लासेस होंगी और इन 50 दिनों में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, आपको किस तरह से प्रीलिम्स की तैयारी की जाएगी, इसके बारे में ये वीडियो आपका पूरा का पूरा रहेगा। तो जीएस पार्ट वन हम लोग कवर करते हैं, जो जीएस का पार्ट है उसको पूरा कवर करेंगे और ये प्रॉपर आपका रिवीजन बैच होगा। क्लासेस कैसे होंगी, किस तरह से आपको चीज़ें मिलेंगी, किस तरह से क्या करना होगा आपको, वो बता दिया जाता है। टोटल ऑनलाइन क्लास है, आपको कहीं पे भी आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके मोबाइल पर डेली क्लासेस आएंगी। चलिए, क्लासेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो किस तरह से आपकी क्लासेस होती हैं, डेली आपको दो क्लासेस आपको मिलेंगी, एक 30 मिनट की मिलेगी और एक आपकी 15 मिनट की मिलेगी। तो 30 मिनट की जो क्लास मिलेगी उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली तो ये जो क्लास है 30 मिनट की, इसका नाम होता है नेक्सस जीएस स्पेशल। तो इसमें ये सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि अब क्या बन सकता है, लास्ट ईयर किस तरह से क्वेश्चन बने हैं, उसके पहले किस तरह से बने थे, अब क्या बन सकता है, मतलब एक्सपेक्टेड चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस होगा। एक्सपेक्टेड टॉपिक क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं, इस पर फोकस होगा। हर एक सब्जेक्ट से, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं पेपर में, उतने सारे सब्जेक्ट से कितने सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, ये आपका इस क्लास में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा रिवीजन भी आपका इसी क्लास में होगी, जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही बैक टू बैक उसका रिवीजन भी चलता रहेगा। बहुत शॉर्ट में पढ़ाया जाएगा चीज़ों को, जिससे आपके अंदर दिमाग में बैठ जाए चीज़ें और बहुत कम डाटा रहे जिससे आप याद भी कर सको। अदरवाइज़ सिर्फ और सिर्फ आपके पास नोट्स रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में बैठें, इसकी वजह से रिवीजन भी होगा। सारे के सारे टॉपिक इसमें कवर होंगे जो एक्सपेक्टेड होंगे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। सेकेंड क्लास जो होगी हमारी, वो आपकी 15 मिनट की होगी, जिसमें हम लोग करंट, यूपी, जनसंख्या, कृषि और इसके अलावा पर्यावरण हो गया, छोटे छोटे टॉपिक्स जो होंगे वो सारे के सारे कवर करेंगे। 10 मिनट आपका करंट डेली रिवीजन कराया जाएगा। तो करंट पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है, डेली आप पढ़िए तो पढ़िए ही, इसके साथ साथ रिवीजन भी करते चलिए। अदरवाइज़ आप क्लास जब आपका एग्ज़ाम आने लगता है तब आपको लगता है ये भी तैयार नहीं है, वो भी तैयार नहीं है। तो प्रॉपरली आपको इस तरह से तैयार करना है, डेली आपका रिवीजन क्लास में ही होता रहेगा। अगर आप प्रॉपरली क्लास करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा डेली आपका हैंड रिटन नोट्स आएगा करीब 5 से 6 पेज का, तो वो प्री को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो वो आपको तैयार करना है। डेली आपका करीब 5 से 6 पेज का हैंड रिटन नोट्स आएगा। तो क्लास की जो टाइमिंग है नेक्सस जीएस में वो कम की गई है, रीज़न उसके पीछे यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अब रिटन मैटर दिया जाएगा इस प्रीलिम्स के पेपर के लिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सको। जो आपका लिखने का टाइम है वो कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है। तो दो क्लासेस चलेंगी, एक आपका 30 मिनट की चलेगी नेक्सस जीएस स्पेशल और सेकंड जो क्लास चलेगी वो आपका करंट स्पेशल बाय नेक्सस जीएस चलेगी। तो ये आपकी 15 मिनट की होगी, टोटल आपका 45 मिनट्स की क्लासेस होंगी और 5 to 6 पेजेस आपके होंगे। मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास चलेगी। अब मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगी, उसके बाद आपका एक वीक टेस्ट होगा सैटरडे नाइट को। जितना भी आपने मंडे टू सैटरडे के बीच में पढ़ाई की है, जितना आपको क्लास में पढ़ाया गया है, जितना आपका डेली पेज भेजे गए हैं, 5 से 6 पेज जो भेजे गए हैं, वो उतने से ही आपका टेस्ट पेपर बनेगा और वो आपको पूछा जाएगा आपका उस टेस्ट पेपर में। वो भी आपका ऑनलाइन होगा, उसमें भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, अब किस तरह से हमारी रणनीति होगी, किस तरह से हमें कार्य करना है और एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करना है। तो आपको ये बात पता है कि 150 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, ठीक है, उसमें से करीब 95 क्वेश्चन अगर आप माइनस मार्किंग के साथ ला देते हो तो बहुत आराम से एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब देखते हैं कि हम 95 क्वेश्चन कैसे ला सकते हैं। तो करंट, यूपी, जनसंख्या, पर्यावरण और कृषि, ये आपके छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन आज की डेट में बहुत बड़े बन चुके हैं। करीब 35 से 40 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से बन जाते हैं। यूपी से करीब 5 से 7 क्वेश्चन मान लीजिए, जनसंख्या से करीब 7 क्वेश्चन के आसपास, पर्यावरण से करीब 3 क्वेश्चन और इसके अलावा कृषि एग्रीकल्चर से करीब 2 क्वेश्चन के आसपास, 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं। तो टोटल अगर इन सबको जोड़ें तो 57 क्वेश्चंस आते हैं और इन 57 क्वेश्चंस में हम लोग टारगेट करेंगे वो 50 क्वेश्चन का टारगेट करेंगे, सिर्फ 50 क्वेश्चन का। 57 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का टारगेट करेंगे कि हम लोग ईजिली अवेलेबल हो जाएँ और ईजिली हम लोग अचीव कर लें। इसके अलावा 50 क्वेश्चन बचे, 50 क्वेश्चंस में हम लोगों को पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन सब से करना है। पॉलिटी से मान लीजिए अगर पूरा का पूरा आराम से हो जाता है,
90% क्वेश्चन तो सही हो जाते हैं, और अगर आपके अभी तक नहीं सही होते रहोगे तो अब सही हो जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। इसके अलावा साइंस में आपका करीब 15 क्वेश्चन के आसपास आपको सही करना है, ज्योग्राफी से 15, हिस्ट्री से 15। मान लीजिए पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब से मिला के अगर आपने 60 क्वेश्चन किए तो 60 और 50 110 क्वेश्चन हो गए, और 110 क्वेश्चन में भी अगर 15 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो 95 क्वेश्चन तो आपके सही होंगे, और माइनस मार्किंग के साथ 95 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपकी रणनीति रही किस तरह से आपको काम करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेस्ट पेपर हमारा कैसा होगा, किस तरह से हम लोगों को टेस्ट पेपर के ऊपर कार्य करना है। तो ये बैच आपको पता है 29 जून 2018 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग टेस्ट पेपर किस तरह से होगा। जुलाई महीने में 4 वीक टेस्ट होंगे, इसके अलावा 4 रैंडम टेस्ट होंगे। 4 वीक टेस्ट होंगे, वीक टेस्ट के बारे में आपको बताया ही कि सैटरडे नाइट को आपका ये टेस्ट हुआ करेगा, जिसमें जितना भी वीक में आपने पढ़ा है सिर्फ उतने के ही बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा 4 रैंडम टेस्ट होंगे जिनके बारे में आपको बता दिया जाएगा, आपके पास एक वीडियो भी आ जाएगा, आपके पास पेज भी आ जाएगा कौन सा पेपर कब है। तो इसके अलावा पॉलिटी का फुल टेस्ट होगा, साइंस का फुल टेस्ट होगा, भूगोल का फुल टेस्ट होगा, हिस्ट्री का 3, 11, 18 और 25 जुलाई को। इसके अलावा अगस्त महीने में करीब 9 टेस्ट होंगे आपका, 1 तारीख को, 3 तारीख को, 5 तारीख को, 7 तारीख को, 10 तारीख को, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 16 और 17 तारीख को 9 टेस्ट आपके अगस्त महीने में होंगे। तो टोटल 8, 9, 17 टेस्ट आपके होंगे जुलाई और अगस्त महीने में। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए और किस तरह से आपको कार्य करना है। अगर आप पूरी तरह से इस चीज़ में जुड़ जाते हैं और आपको लगता है नहीं, हम जितना दिया जा रहा है हम प्रॉपर वे में कर रहे हैं, तो आपका प्रिलिम्स कोई भी नहीं रोक पाएगा। जैसे ट्रैक रिकॉर्ड रहा है नेक्सस जीएस का, नेक्सस से करंट स्पेशल जब भी रिलीज़ किया जाता है ऑलमोस्ट 80 से 90% क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं। और ये बात इसलिए डंके की चोट पर बोली जा रही है कि अगर आप मिलाना चाहें तो लास्ट ईयर के जितने भी तांडव सीरीज़ निकाली गई हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा तांडव सीरीज़, और उसके बाद पेपर से मिला लीजिएगा। कम से कम 4 दिन पहले फ्री में अपलोड कर दी जाती है, तो फ्री में जब अपलोड हो जाती है तो 4 दिन पहले की आपको डेट वहाँ पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप चेक करेंगे तो आप पेपर से उसके बाद में मिलाइएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन करंट के वहाँ से मिल जाएंगे। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन के आसपास आपका करंट, यूपी, जनसंख्या और ये छोटे छोटे टॉपिक से आपके हो जाएंगे। इसके अलावा जो 50 क्वेश्चंस है पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इनसे मिला के बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो बहुत आसान है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना। हाँ, रणनीति आपकी सही होनी चाहिए। अब बता देते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। इस हर एक चीज़ की जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपका 29 जून से जो 18 अगस्त की जितनी भी चीज़ें आपको क्लास में प्रोवाइड की जा रही, जितनी भी आपको बताई गई हैं, इन सब की टोटल फीस 2500 है। मतलब 2500 रुपये टोटल आपको पे करने हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी जैसे कि बताई गई हैं उसी तरह से। ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लगातार 14 दिसंबर 2015 से ये कोचिंग चल रही है, और बैक टू बैक हर एक परीक्षा में आपको रिजल्ट मिले हैं। हमारा फेसबुक प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे के सारे रिजल्ट्स दिख जाएंगे। नेक्सस जीएस का एक ऑफिशियल ऐप भी है, तो उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिल जाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके अलावा अगर आपको क्लासेस में एडमिशन लेना है, जैसा कि बता दिया गया है, तो 29 जून 2018 से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। आप अपनी क्लासेस को रजिस्टर कर सकते हैं, फीस आप जैसे ही पेमेंट करोगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करोगे तो वहाँ फीस की डिटेल आपको मिल जाएगी किस तरह से आपको क्या करना है। तो फीस आप जैसे ही पेमेंट करोगे आपको क्लास में ऐड कर दिया जाएगा, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी किस तरह से अब क्या होना है, किस तरह से क्या करना है। फिलहाल जो रणनीति है वो इसी तरह से है, आपको कार्य जो कराया जाएगा क्लास में वो इसी तरह से कराया जाएगा। थैंक यू सो मच।